सुप्रभात, मैं धनंजय कुमार महतो वर्ग दसम एवं वर्ग नवम के लिए हिंदी क्षितिज में पद भाग में कबीर द्वारा रचित शब्द को पढ़ाने जा रहा हूँ। कबीरदास भक्ति काल के निर्गुण शाखा के एक सशक्त कवि हैं और इनकी भाषा सदुपकड़ी है। सदुपकड़ी मतलब खिचड़ी, यह शब्द है, पद है। मोको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास ही। भक्तों को कबीरदास जी ईश्वर के माध्यम से संदेश देते हुए यहाँ कहते हैं, ईश्वर मोको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास ही। यहाँ ईश्वर कहते हैं ये भक्त मुझे यहाँ वहाँ ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तो आपके हृदय में निवास करता हूँ। हमारे भक्तगण ईश्वर की कृपा पाने खोजने के लिए हिंदू और मुस्लिम इस्लाम धर्मावलंबी जो खोजते हैं ढूंढते हैं। कह रहा है ईश्वर, ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काव्य कैलाश में। यहाँ ईश्वर कहते हैं लोग तो मैं मंदिर में निवास करता हूँ और लोग मस्जिद में, तो इस्लाम के तीर्थ स्थल काबा में और जो हिंदू के कैलाश में निवास करता हूँ। और ईश्वर की प्राप्ति के लिए विभिन्न तरह के क्रियाकलाप योग वैराग्य जो करते हैं उसमें भी मैं निवास नहीं करता हूँ। यहाँ ईश्वर भक्तों को कहते हैं कि भोजी हो तो पल भर की तलाश में। यहाँ ईश्वर अपने भक्तों को कहते हैं कि अगर मन से अगर साधना करे, खोज करे, सच्ची खोज करे, सच्चा भक्त हो तो तुरंत ही मिली हो पल भर की तलाश में। अगर भक्त सच्चे मन से ईश्वर की स्तुति करे, प्रार्थना करे, तो ईश्वर का दर्शन तुरंत ही पल भर में ही हो जाएगा। कहे कभी सुनो है साधु सब साधु के समाप्त। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि ये भक्त ईश्वर सबों के हृदय में निवास करते हैं, सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं। अगर जीवों की सेवा करनी चाहिए, जीवों की सेवा करना ही ईश्वर की सच्ची साधना है। और इस पद में कबीरदास जी